Mumbai.com. विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जारी है। नामांकन के लिए प्रत्याशी अजब गजब तरीके भी अपना रहे हैं। कोई भैंस पर नामांकन करने पहुंच रहा है तो कोई चुनाव जीतने के बाद स्कूटी देने के वादे कर रहा है। इसी बीच जहानाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जहानाबाद में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन घोसी से एक दिलचस्प वाकया सामने आया। दरअसल प्रखंड के शाहपुर पंचायत के डहरपुर गांव की रहने वाली रेखा देवी सोमवार को ब्लॉक ऑफिस में वार्ड सदस्य के लिए नामांकन करने पहुंची। इस दौरान उक्त महिला ने वहां मौजूद भीड़ के सामने अपने देवर के साथ शादी कर ली। यह खबर तुरंत पूरे इलाके में फैल गई। नवविवाहित दंपति को देखने के लिए कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जाता है कि महिला के पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद विधवा रेखा देवी ने अपने देवर के साथ शादी कर ली। इसकी शुरुआत ग्रामीणों ने की। ग्रामीणों ने महिला को वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद महिला नामांकन के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में पहुंची। इसी परिसर में भीड़ के सामने महिला ने देवर से शादी कर ली। दरअसल नामांकन के बाद लोग अपने प्रत्याशी रेखा देवी को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान देवर ने भाभी के गले में माला पहनाया और मांग में सिंदूर भर दिया। रेखा ने भी देवर के फैसले को स्वीकार कर लिया। रेखा ने बताया कि वो शादी से खुश हैं और नए जीवन की शुरुआत कर रही हैं। इसका ग्रामीणों ने भी स्वागत किया। सभी ने वर वधु को खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद भी दिया। अगर बिहार में पंचायत चुनाव की बात करें तो इस बार 11 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 24 सितंबर को और आखिरी चरण 12 दिसंबर को होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।